आप लोगों ने स्टडी किया है प्लेन वेल्थ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज कुछ उसी से संबंधित और इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टडी करेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे कभी कभी हमारे घरों में मिरर लगाने के लिए मिस्त्री लोग आते हैं तो उनको सिस्टम से लगाना पड़ता है, वो सिस्टम से इस तरीके से लगाना पड़ता है कि प्लेन मिरर को फ्लोर से कितना ऊंचा रखा जाए, या कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति को पैर से लेकर सिर तक अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने न्यूनतम दर्पण की लेंथ लेनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन बनता है। तो अब इसी पर विचार होगा कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कहां से कहां तक, पैर से लेकर सिर तक पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने न्यूनतम दर्पण की लंबाई लेनी पड़ेगी, और यह भी क्वेश्चन बनता है कि उसे फ्लोर से कितना ऊंचा रखना पड़ेगा। आइए तो देखिए, एक व्यक्ति है, ये क्या है व्यक्ति, ये व्यक्ति है, जिसकी हाइट 6 फीट है, कितना फीट है 6 फीट, इसकी हाइट कितनी है 6 फीट। सपोज ये है कि इसकी हाइट जो है वो 6 फीट की है, और यहां पर एक क्या है प्लेन मिरर है, ये भी इसकी हाइट मैंने, इस प्लेन मिरर की भी हाइट मैंने कितना लिया है 6 फीट लिया है, या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसका पैर है और इसका ये क्या है सिर, बाल, यहां से यहां तक पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए इसे कितने न्यूनतम दर्पण की लंबाई लेनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को मालूम होगा कि इमेज का बनता है जब रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों पे पड़ती है, किसी चीज को यदि देखना होगा तो रिफ्लेक्टेड रे जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो वस्तु को देखती है। तो अगर सिर वाले भाग को देखना है तो सिर से लाइट की रे चलेगी और मिरर से इंसिडेंट होने के बाद हमारे नेत्रों में पड़ेगी तो हमको सिर दिखेगा, पैर से चलेगी दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद जब आंखों पर पड़ेगी तो हमको अपना पैर भी दिखाई पड़ेगा। तो यहां तक की जो हाइट होती है बेटा, यहां से लेके यहां तक की ये 1 फीट होती है, ये अगर व्यक्ति की हाइट 6 फीट है तो यहां तक की जो हाइट होगी यहां तक की वो कितनी होगी 1 फीट होगी, और ये कितना होगा यहां तक का, ये हो जाएगा भाई 1 फीट का आधा फीट। तो चलिए देखते हैं, सिर से प्रकाश की किरण, ये यहां से प्रकाश की किरण चलती है और टकराने के बाद नेत्रों में पड़ती है, ये, और यहां से चलने के बाद लाइट की रे यहां से टकराने के बाद कहां पड़ती है नेत्र पे पड़ती है। तो देखिए, यहां से लाइट की रे चली थी मिरर से इंसिडेंट होने के बाद नेत्र में पड़े तो इसका सिर दिखा, पैर से प्रकाश किरण चली थी मिरर से टकराने के बाद आंख में पड़ी तो पैर भी दिख रहा है,
अब बात कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, इतना ही हमें इतना ही मिरर की आवश्यकता है। कितना? इतना। तो हम इसको कितना मान लेते हैं? इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां इसको ऐसे मिलाते हैं, यहां से लेके इसको यहां तक, और यहां से इसको यहां तक। ए बेटा कितना हो गया? 0.5 फिट। ये भी हो गया 0.5 फिट। अच्छा अब देखिए, ये देखिए यहां से ये कितना बचा था भाई, जब 6 फिट में से 1 फिट निकाल दो, बचे कितना? 5 फुट। तो यहां से लेकर ये भी कितना हो गया? ये 5 फिट। अच्छा देखिए, ये 5 फिट का क्या है? कितना? आधा है। देखिए यहां से लेके यहां तक कितना है? 5 फिट। और ये इसका क्या है? आधा है। तो ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा बेटा 2.5 फिट। ये इतना। ओके, तो मुझे कितने न्यूनतम दर्पण की आवश्यकता होगी? तो अगर ये 2.5 फिट है, ये भी तो होगा कितना? बोलो, 2.5 फिट ही होगा। चलिए तो एबी की लंबाई देखते हैं, एबी की लेंथ कितनी होगी? देखिए यहां से यहां तक का ये हो गया कितना? 0.5 फिट। ये हो गया 2.5 फिट। ऐड करिए, 0.5 फिट प्लस 2.5 फिट। अब इसको ऐड करिए, AB इक्वल टू आ जाएगा 2.5 में 0.5 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 3 फिट। ध्यान दीजिए, अब मिरर की लेंथ कितनी हो गई? 3 फिट। तो यहां से स्पष्ट हुआ व्यक्ति की हाइट कितनी थी? 6 फिट। और मिरर की जो न्यूनतम लंबाई है वो कितनी आई है? 3 फिट। तो व्यक्ति की हाइट 6 फिट और मिरर की लेंथ जो है, लेंथ जो मैंने लिया है मिनिमम लेंथ, वो कितना है? 3 फिट। तो 6 का जो हाफ आया है वो कितना है? 3 फिट आया है। तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब सिर से लेके पांव तक देखने के लिए व्यक्ति की हाइट की आधी हाइट के बराबर प्लेन मिरर लेना पड़ेगा। तो न्यूनतम दर्पण की लंबाई बराबर, यहां लिखेंगे न्यूनतम समतल दर्पण की लंबाई, न्यूनतम समतल दर्पण की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे? व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई बाई 2। तो न्यूनतम समतल दर्पण आवश्यक, यहां सब लग जाए आवश्यक भाई, आवश्यकता का कहां से कहां तक? पैर से लेके सिर तक का देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम समतल दर्पण की लंबाई कितनी होगी? व्यक्ति की लंबाई अपॉन 2। तो जैसे कह लिया जाए क्वेश्चन, एक व्यक्ति की हाइट 160 सेंटीमीटर है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम समतल दर्पण की लंबाई बताइए। तो आवश्यक समतल दर्पण की आवश्यकता जो है वो क्या करोगे? व्यक्ति की हाइट कितनी है? 160 और बाई क्या कर देंगे? 2। तो इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर। तो व्यक्ति की हाइट की आधी हाइट ही लेनी पड़ेगी। अच्छा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, देख लीजिएगा किसी बुक में होगा सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि इसे फ्लोर से कितना ऊंचा रखना, फर्श से कितने ऊंचाई पर रखनी पड़ेगी?
तो देखिए बेटा बहुत आसान तरीके में बता दे रहा हूं, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये कंधे तक की हाइट देख लीजिए, यहां तक कंधे तक की, पैर से लेके कंधे तक की हाइट की आधी हाइट जो होगी वही ही आप कह सकते हैं उसको फ्लोर से रख सकते हैं। जैसे यहां तक की हाइट देखिए, यहां से यहां तक कितना हुआ 5 फीट की आधा, 5 फीट है और इसी का बेटा आधा करो कितना हो जाएगा 2.5। तो ये सिंपल सा रूल है, आप कह सकते हैं। तरीका सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से कि आवश्यक न्यूनतम समतल दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई बटा दो, और दूसरा आप कह सकते हैं कि पैर से लेकर कंधे तक की जो हाइट है उसी की आधी हाइट के बराबर जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, उतना ही फ्लोर से ऊंचा रखना पड़ेगा। या दूसरा कह सकते हैं फ्लोर से कितना ऊंचा रखना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं व्यक्ति की लंबाई अपॉन 2-1। फ्लोर से कितना ऊपर रखना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं व्यक्ति की लंबाई बाय 2-1। जैसे मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति की लंबाई 4 फीट है, कितना फीट है 4 फीट, तो आवश्यक न्यूनतम दर्पण की लंबाई कितनी हो जाएगी 4/2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2 फीट। उसे आवश्यक न्यूनतम दर्पण की लंबाई कितनी मालूम हो जाएगी 2 फीट। अब पूछा गया फ्लोर से कितना ऊंचा रखना पड़ेगा, तो देखिए व्यक्ति की लंबाई 4/2-1, तो कितना आ जाएगा 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, -1 बराबर कितना हो जाएगा 1। उसे फ्लोर से 1 फीट ऊंचा रखना पड़ेगा। आइए इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बना, इसको नोट कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में सीखें, ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन एक और बनता है, एक क्वेश्चन ये बना कि एक व्यक्ति को अपना चेहरा देखना है किसमें, प्लेन मिरर में। एक व्यक्ति को अपना चेहरा देखना है प्लेन मिरर में, तो कह रहा है क्वेश्चन कि कितने न्यूनतम चौड़ाई की दर्पण लेने की आवश्यकता होगी उसे अपना पूरा चेहरा देखने के लिए। तो आवश्यक न्यूनतम चौड़ाई का जो दर्पण लेना पड़ेगा उसका फार्मूला होता है b-a/2। व्यक्ति को अपना पूरा चेहरा देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम चौड़ाई वाला समतल दर्पण जो है वो होगा b-a/2। बच्चों ध्यान दीजिए, ये b क्या है, a क्या है, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। b देखिए, ये अपना देखिए नाक है, नाक से लेके कान तक की दूरी, नाक से लेके कान तक की जो दूरी है वो b है। और a क्या है, नाक से लेके आंख तक की दूरी जो है वो बेटा क्या है, a है। तो b-a/2 कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम चौड़ाई वाला समतल दर्पण। तो व्यक्ति को अपना पूरा चेहरा देखने के लिए न्यूनतम चौड़ाई वाला समतल दर्पण कितना होगा, b-a/2। b क्या है, नाक से लेकर कान तक की दूरी, a क्या है, नाक से लेकर आंख तक की दूरी, और b-a/2 कर देंगे उतनी ही चौड़ाई का प्लेन मिरर लेना पड़ेगा।
और ध्यान दीजिए, कभी कभी और एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि एक घड़ी है, एक घड़ी ऐसी दीवार पर क्या है टंगी हुई है और उसका इमेज एक प्लेन मिरर में बन रहा है, वो प्लेन मिरर में बन रहा है उसका इमेज, तो हमें यह मालूम है कि अगर ऐसे आमने सामने उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि जो प्लेन मिरर में घड़ी का इमेज बन रहा है उसमें टाइम कितना हो रहा है। तो जैसे कोई व्यक्ति प्लेन मिरर में घड़ी देखा और उस घड़ी को देखा, उसमें समय उसने नोट किया, लेकिन रियल में क्या टाइम है वो हमें रियल वाले वास्तविक समय ज्ञात करना है। घड़ी जो हमको प्लेन मिरर में दिख रही है, एक बार क्वेश्चन बढ़िया समझिए, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी वो थोड़ा सॉल्व किया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि प्लेन मिरर में हमको घड़ी दिख रही है और घड़ी दिख रही है तो समय जरूर स्पष्ट हो रहा होगा, लेकिन उस समय का जो वास्तविक समय है वो हमको मालूम करना है। तो वास्तविक समय कैसे निकाला जाए ये ध्यान दीजिए, तो वास्तविक समय बराबर रियल टाइम, वास्तविक समय बराबर हो जाएगा 12 माइनस एक्स। बच्चों इसे थोड़ा सा ध्यान से कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, कल अगले वीडियो में मैं आपको बहुत से क्वेश्चन दूंगा, कम से कम 30-35 क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना होगा। तो वास्तविक समय बराबर हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अब बेटा अगर कोई पूछे एक्स क्या है, 12 माइनस एक्स है, इसमें एक्स क्या है, तो एक्स बताएंगे समतल दर्पण में बने, जो समतल दर्पण में हमको घड़ी का इमेज दिख रहा है उसका समय है वो क्या है, एक्स है। तो जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर में जो हमको घड़ी दिख रही है उसका समय है, मैंने नोट किया 4:20। तो हमने क्या वास्तविक समय बता दीजिए, तो वास्तविक समय कैसे निकालेंगे, फार्मूला है वास्तविक समय बराबर 12 माइनस एक्स, तो 12 में से कितना घटाएंगे, 4:20। तो बेटा ये 12 घंटा है, ये है, तो 12 घंटा क्या ले सकते हैं, घंटा और मिनट में बनाने के लिए 12 घंटा कैसे करेंगे, 11:60 हमको एक्स कितना दिया गया है, 4:20 भाई 12 को क्या लिख सकते हैं, 11:60 घटा दीजिए, तो 4:20 घटाते हैं, देखिए 0 0 4 6 में से 2 क्या कितना बचेगा 4, और भैया 11 में से 4 जाए कितना बचेगा 7, तो कितना हो गया बोलो 7:40। तो वास्तविक समय निकालने का फॉर्मूला क्या है, 12 माइनस एक्स, एक्स क्या है आप बता दोगे क्या, कभी कभी यदि घंटा दिया रहेगा तो 12 माइनस एक्स करेंगे, और घंटा और मिनट में दिया रहेगा तो 11:60 एक जरूरत और एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात है, घंटा और मिनट की बात हो गई, कभी कभी सेकंड भी आ जाए तो सेकंड में बना लीजिएगा, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, यहां हो जाएगा 11:61, यहां हो जाएगा 60 सेकंड, ऐसे कर लीजिएगा, और घंटा आएगा तो 12 में से घटाएंगे, घंटा मिनट आएगा तो 11:60 में से घटाएंगे, और अगर आ गया घंटा मिनट सेकंड 11:61 और क्या हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा, इसमें घटा दीजिएगा, और एक्स आपको मालूम है, एक्स क्या है, समतल दर्पण में बने, तो समतल दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब दिख रहा है
उसमें जो टाइम है वो क्या है एक्स। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल आपको अगले वीडियो में प्लेन मिरर से जितने क्वेश्चन बनते हैं, चाहे बोर्ड पैटर्न हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, सब आपको कल क्वेश्चन करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बार जाते समय फिर बताना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, शेयर करिए। इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और कल से हिंदी भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों।